गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर एवरी वन, टेक योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ओपन पेज नंबर 44। एज शेड्यूल वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 7 कंजंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। जॉइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग और बिकॉज। सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 to 6 एंड यू विल ज्वाइन विद और बिकॉज। ये दो वर्ड से ही आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करने हैं। और मीन्स या तो, बिकॉज मीन्स क्योंकि, और मीन्स या तो, और बिकॉज मीन्स क्योंकि। ओके, यस। ही फेल्ड इन, लुक सेंटेंस नंबर 1, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल्ड हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, चलिए। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। ओके, फिर से। He failed in the examination because he did not work hard. Next, we could not play the match. It was raining. We could not play the match means हम लोग मैच जो है उसको प्ले नहीं कर पाए, नहीं खेल सके। It was raining, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो जैसे ही आप हिंदी का सेंटेंस यूज़ करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज़ करना है। तो वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ओके, ही मस्ट वर्क हार्ड, ही विल फेल। ही मस्ट वर्क हार्ड मीन्स उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो नहीं तो की इंग्लिश होगी और, या तो ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल फेल। उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो वह फेल हो जाएगा। 4, She could not win the prize. वह प्राइज नहीं जीत सकी। She did not work hard, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। क्लियर हो रहा है? तो she could not win the prize because she did not work hard. Next, is Mary your sister? क्या मैरी तुम्हारी सिस्टर है? Is Mary your cousin? और क्या जो मैरी है तुम्हारी सिस्टर है, या जो मैरी है वो तुम्हारी कजन है? तो सिंपल है, Is Mary your sister or cousin than question mark? Is Mary your sister or cousin than question mark? Next, she cannot drink this coffee. वह इस कॉफ़ी को नहीं पी सकी। It is too hot, क्योंकि ये बहुत गर्म है। She cannot drink this coffee because it is too hot, क्योंकि ये बहुत गर्म है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि जो कंजक्शन वर्ड होता है, जैसे ही आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल कन्फर्म कि आपको क्या यूज़ करना है, व्हाट विल यू ऐड। ओके, फिर से एक बार देखते हैं, एक बार हम इसे फिर से देखें। चलिए, नेक्स्ट। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इसमें क्या करना है, और बिकॉज लगा के आपको ज्वाइन करना है। एक बार फिर से रिविजन करते हैं। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वी कुड नॉट प्ले द मैच, हम मैच प्ले नहीं कर सके। इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। इसका मतलब फिर बिकॉज, वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट वॉज रेनिंग। He must work hard, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। He will fail, नहीं तो वह fail हो जाएगा। He must work hard और he will fail. Next, she could not win the prize. She could not win the prize, वह prize नहीं जीत सकी। She did not work hard, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। तो she could not win the prize because she did not work hard, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। नेक्स्ट, इज़ मैरी योर सिस्टर, इज़ मैरी योर कज़न,
क्या मैरी तुम्हारी सिस्टर है या मैरी तुम्हारी कज़न है? बहुत सिंपल ढंग से लिखेंगे, इज मैरी योर सिस्टर और कज़न, देन क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क। इन लास्ट, शी कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफ़ी, शी कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफ़ी बिकॉज इट इज़ टू हॉट, क्योंकि ये जो है बहुत गर्म है इसलिए वो कॉफ़ी नहीं पी सकी। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे योर चैप्टर नंबर 7 कंजक्शन हैज़ बीन फुली कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कंसल्ट मी। आई होप ऑल यू विल डू योर वर्क प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। थैंक यू।